नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीरवार को कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विस्टा डोम ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ वीरवार को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने पूरे कश्मीर में की छापेमारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर 80 फीट नीचे नाले में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के चिराग भंडारी ने राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता में जीता रजत पुरस्कार। पुलिस ने वीरवार रात कठुआ जिले की हीरानगर तहसील में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक आतंकवादी संदिग्ध को किया गिरफ्तार। एसएसपी ट्रैफिक रामबन ने बताया कि सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात एक तरफा है, यात्रियों को लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी जाती है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।